और इन एक सालों के अंदर जो सच्चाई सामने आई है उससे साफ हो गया है कि दरअसल नोटबंदी काला धन को सफेद करने की योजना थी। देश के पूंजीपतियों का 26% उनकी संपत्ति बढ़ गई, जिसमें 100 अमीर देश के शामिल हैं। एक साल नोटबंदी के ये बताते हैं कि उनकी संपत्ति में 26% का इजाफा हुआ। अडानी की संपत्ति 66% बढ़ गई, अंबानी की संपत्ति 67% बढ़ गई, बाबा रामदेव की संपत्ति 173% बढ़ गई, जय शाह की संपत्ति जो अमित शाह के बेटे हैं उनकी संपत्ति 16,000% बढ़ गई। यानी चंद पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को तो इस नोटबंदी से फायदा हुआ, लेकिन 150 लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए। देश के अंदर बेरोजगारी बुरी तरीके से बढ़ी, लोगों का व्यापार नष्ट हो गया, व्यापार बर्बाद हो गया, काला धन कहीं नहीं आया, नक्सलवाद नहीं रुका, आतंकवाद नहीं रुका और जाली नोट भी देश के अंदर चल पड़े। और इस सबके बाद जो रिजर्व बैंक का आंकड़ा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। रिजर्व बैंक कहता है कि एक साल के बाद जो नोट 1,000 और 500 के आए हैं, वो 1,000 और 500 के नोट ये बताते हैं कि 14,18,000 करोड़ रुपए 1,000 500 के नोट मार्केट में थी, लेकिन 15,28,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो गए, 1,10,000 करोड़ रुपए ज्यादा जमा हो गए। अब आप इनसे पूछिए कि 1,10,000 करोड़ किसके हैं? ये जाली नोट हैं। जब 1,000 और 500 के 14,18,000 करोड़ थे तो 15,28,000 करोड़ कहाँ से आ गए? इसका मतलब कि ये 1,10,000 करोड़ जाली नोट थे, फर्जी नोट थे, काला धन थे और काला को सफेद करने की योजना थी नोटबंदी। अरविंद केजरीवाल जी ने और हम लोगों ने पहले दिन से कहा था, नोटबंदी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है।